अच्छा, अब हमारी स्पेशल एक लेडी कॉलर हैं, साक्षी। नमस्कार सचवाला जी एंड पूनम जी। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, कैसी हैं बहन? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करते हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी, मैं भी सचवाला ठीक जी हूँ। मेरा बोलिए। एक सवाल है, मेरी काफी डिस्कशन डिबेट होती थी कुछ अफगानिस्तानी लोगों से। वो जी अक्सर एक बात कहते थे कि जो शहीद होता है उसके बॉडी से चाहे उसको जितने मर्जी सालों के लिए ऐसे भी छोड़ दिया जाए उससे कभी स्मेल नहीं आती। क्या ये कॉन्सेप्ट सच है? ऐसा कोई शहीद मुझे दिखा दे जिस तरह से ये कहा जाता है, मैं ईमान लाने के लिए तैयार हूँ, मैं दोबारा इस्लाम में आ जाऊँगा, ऐसा मुझे दिखा दो। और ये बात मैं लाइव कह रहा हूँ जी, कोई दिखा दो मुझे, मैं अपनी आँखों से देखूँ कि कोई जिसे शहीद कहते हैं वो इस तरह से है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सचवाला जी एक और मेरा सवाल है, आप और लाइक अगर हम लॉजिकली अगर बात करें तो हाँ, ये जन्नत में जो हूरों का कॉन्सेप्ट है सर, अगर आप दुनियादारी अगर दुनिया के हिसाब से देखें तो रिप्रोडक्शन एक नेसेसरी प्रोसेस है जिससे आप जिससे एक इंडिविजुअल एक प्रोजनी का जन्म होता है या फिर एक मतलब कि आप अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करें इसलिए ठीक है। जी जी लेकिन जन्नत में एक रूह जो जाती है जिसको ये लोग कहते हैं वो जन्नत में जाके इस प्रोसेस को क्या करती है? देखिए, पहली बात तो ये कि इस्लाम का किसी लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये याद रखिए, आप इस्लाम में लॉजिक ढूंढने जाएंगी तो आपको बहुत नाकामी होगी। इस्लाम में कोई लॉजिक नहीं, पहली बात। सचवाला जी जैसे अभी पूनम जी ने एक इंसिडेंट कोट किया आर्मी ऑफिसर का, जी मैं खुद आर्मी बैकग्राउंड से, मेरे फादर अभी करेंटली भी लाइक ही जन आर्मी ऑफिसर, तो वो जम्मू कश्मीर में जो पोस्टेड थे तो वहाँ पे उन्होंने छोटे से एक बच्चे से मतलब राजौरी साइड में छोटे से बच्चे से उनकी बात होती है, तो पापा ने उससे जनरली लाइक लोकली ऐसे पूछा कि ये जो आप मतलब कि आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके, तो वो 5-6 साल का बच्चा कहता कि मुझे आजादी चाहिए और मैं जिहाद करूंगा। सर इतनी बुरी कंडीशन है सर वहाँ पे कि जुम्मे के दिन मस्जिद में वो लोग भड़काऊबाजी बयान देते हैं और फिर जब उनको रोक दिया जाता है तो वो कहते हैं कि ये लोग हमें नमाज नहीं पढ़ने देते। ऐसी सिचुएशन में किया तो क्या किया जाए? और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, एक बार एक टेररिस्ट को पकड़ा तो वो मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं, कोई भी जिसको भी आप पकड़ते हो आर्मी में मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं, तो पापा ने उस टेररिस्ट से पूछा कि तुम ये करते क्यों हो, ये ह्यूमैनिटी के लाइक ऐसे मार के तुम लोगों को कौन सी जन्नत मिलेगी? कहते अल्लाह हुआ के अकबर इंशा अल्लाह हम लोग को जन्नत मिलेगी और जिसको हम मार रहे हैं उनको भी जन्नत मिलेगी। तो सर ये कैसे मतलब जिसको वो मारेंगे ये जो ये कर रहे हैं क्या उसके बाद भी उनको जन्नत मिलेगी, इनको मार रहे हैं उनको भी जन्नत मिलेगी? नहीं, खैर ऐसी बात नहीं है, जिनको मार रहे हैं उनको जन्नत नहीं मिलेगी, बल्कि जो मारने वाला है उसको जन्नत मिलेगी, क्योंकि वो गाजी कहलाएगा। अगर ये मर जाता है तो वो शहीद कहलाएगा। ये एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट आपने जो कहा कि जिनको मारा गया उसको जन्नत मिलेगी, ऐसा नहीं है। इनका ये कहना होता है कि वो जो मुशरिक है वो काफिर है, वो जितनी देर तक जो है दुनिया में रहेगा वो खुद उसके लिए एक तरह का जो है यूँ समझिए कि एक माइनस पॉइंट है। तो उसकी जो है जो उसकी इस बुराई को ख़त्म करने के लिए उसको मार देना चाहिए। शायद वो इस कॉन्सेप्ट में, इस एस्पेक्ट में उसने ये बात कही थी। ठीक है ओके ओके जी ओके सर ठीक है, थैंक यू सो मच जी आपने मेरे सवालों का जवाब बहुत दिया, शुक्रिया, थैंक यू बहुत पूनम जी। शुक्रिया जी। साक्षी जी, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? आई विल गिव यू एक्स्ट्रा टाइम।
मैम एक्चुअली मेरे पास इन लोगों को मुझे एक और कॉन्सेप्ट इनका समझ नहीं आता है। मैंने सुना था कि ये कहते हैं कि अल्लाह का एक पैर जन्नत में है और एक पैर जहन्नुम में। सर ये कैसा ऐसा कुछ लिखा हुआ है? नहीं खैर ऐसी बात नहीं है। वो कुरान के बाहर कुछ किताबों में ऐसा लिखा है कि वो जहन्नम जो है वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि वो सारे काफिरों को उस जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर भी वो जहन्नम का मुंह जो है नहीं भरेगा, ठीक है? तो जी मुंह नहीं भरेगा या पेट नहीं भरेगा, समझो, तो वो जन्नत कहेगी कि जो है वो सॉरी, वो जहन्नम कहेगी कि और कोई है, और भी कोई काफिर है तो लाओ, मैं मेरे पास इतनी स्पेस है कि मैं उनको भी अपने पेट में ले लूं। तो ऐसे समय पर जब सारे काफिर तो जहन्नम पेट में में चले ले जाएंगे, लूं। पेट में, ये ना मतलब वो अपने अंदर जो है समो लेना चाहती है, इतनी बड़ी है जहन्नम। जहन्नम ओके इतनी बड़ी है कि वो सारे काफिरों को जब उसमें डाल दिया जाएगा तब भी जैने मतलब जहन्नम का मुंह फिर भी खाली रहेगा, फिर भी तो उसका सर पेट अल्लाह नहीं तख्त फलेगा। पे कैसे बैठते हैं? वो कहते हैं ना सातवें आसमान पे, वो नहीं अगर नहीं सुन वो सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ। तो ऐसे टाइम पर अल्लाह क्या करेगा, अपनी जो पिंडली होती है ना, पिंडली जानते हैं, पैर का नीचे का हिस्सा, वो जी पिंडली जो है वो जहन्नम के मुंह पर रख देगा। तब जाकर जो है उसका मुंह, उसका पेट भर जाएगा। देखें, अब ये कहानियां हैं, जो मर्जी कह लो, जो है अरबों ने इस तरह की कहानियां घड़ी और जो है हम पर थोपी और हम मान बैठे और आज तक भी उसको रिपीट कर रहे हैं। ये है डिजास्टर, ठीक ये सर। ट्रेजेडी तो है आप जी। इस बात से मानते हैं कि इस्लाम कोई इस्लाम जैसे पॉलिटिकल मूवमेंट और एक रिलीजन नहीं है? इस्लाम तो जो है पॉलिटिकल मूवमेंट ही तो है ना, अभी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, मिलिटेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। इस्लाम रिलीजन नहीं है, इस्लाम कोई मजहब नहीं है, इस्लाम दीन है, और दीन कहते हैं सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को। इस्लाम सर पूरी दीन दुनिया में पर छा जाना चाहता है, इस्लाम आया ही इसलिए है कि सारी दुनिया पर छा जाए, उसका बेसिक मोमेंटम है, उसका इंटेंशन ये है जी। दीन में फिर ये लोग कहते हैं कि अकल का कोई दखल नहीं है, तो सर इसके बाद आगे कोई इंसान सवाल ही नहीं उठा सकता, और ये हाँ, बहुत जाहिर ही बात है, तभी तो ये दीन चलेगा ना। जब आप इस दीन में अकल आ जाएगी तो दीन रुक जाएगा, जब तक जो है जी अकल नहीं है तभी तक तो जो है ये दीन चलेगा। अब आज इंटरनेट की जो है मतलब ये सौगात है, इंटरनेट की ये करामात है, उसका जो है ये चमत्कार है कि आज लोग सर उठाकर अकल की बात कर रहे हैं। तो इस्लाम अपना मुंह छुपाए फिर रहा है। आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पर कितने बड़े बड़े जो है लंबी लंबी दाढ़ियां, ऊंची ऊंची पगड़ियां पहनकर बड़े बड़े उलमा जो सदियों से लोगों को उल्लू बनाते रहे, आज जब उनका सामना आमना सामना एक्स मुस्लिम से हो रहा है तो अपनी जो है धोती पकड़कर भाग रहे हैं। आपने देखा होगा ना अपनी आंखों से ये मंजर, जी इंसान ये मंजर इस्लामी तारीख में आज तक कभी पहले नहीं आया। ये बिल्कुल पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुनिया के सामने एक तरफ तो जो है एक्स मुस्लिम है, एक तरफ मुसलमानों के जो है जो जो उनके स्कॉलर्स हैं वो ये एक्स मुस्लिम का सामना नहीं कर पा रहे हैं। एकदम बोधे, एकदम खोखली बातों के साथ वो ये उनके सामने ठहर नहीं सकते। यही तो दुनिया देख रही है, रोजाना देख रही है। कोई भी जो है बिल्कुल मुसलमानों का स्कॉलर एक्स मुस्लिम का सामना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सर। मैं एक और टॉपिक पे आपसे एक दिन मैं चाहूंगी कि आप कोई ऐसी वीडियो बनाएं जहां पे, क्योंकि आप काफी टाइम से इस्लाम में रहे हैं और ये लोग जो टेक्निक्स यूज करते हैं किसी पर्सन को कन्वर्ट करने के लिए, इन लोगों के पीछे उनकी साइकोलॉजी क्या होती है कि वो लोग किस तरीके से एक इंसान के माइंड तक जाते हैं और उसके अंदर वो इस्लाम का जो भूत होता है, मैं वही कहूंगी कि वो कैसे किस तरीके से लाते हैं। मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप उस बात पे भी एक टॉपिक बनाए ताकि हमारे बहुत से लोग लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव और इन लोगों के चंगुल में आ चुके हैं,
वो लोग को समझ आए इन लोगों की टेक्निक का, कि ये पहले शुरू शुरुआत में सिर्फ बातें करते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे आपको कुरान पढ़ने का बोलते हैं। सर मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आप, क्योंकि आपकी बात लोग सुनते हैं, तो आप इस टॉपिक पे भी अपना थोड़ा सा टाइम दीजिएगा कि किस तरीके से इन लोगों को हैंडल किया जाए, सो दैट इनके साथ हम एक डिप्लोमेटिक पीस बना के भी चलें, ताकि सिविल वॉर टाइप सिचुएशन ना हो और इनकी बातें भी समझे। और मैं बस में इतना हम ही कहना जी, हमारी चाहूंगी। बहन, हम यही तो कर रहे हैं ना, हम डायलॉग चाहते हैं। हम यही तो चाहते हैं कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनके साथ हमारी बात हो, या वो हमारे यहाँ आए अपनी बात रखें, तो हमारी जो ये जो है जो है जिस तरह की डिस्कशन होगी, तो भारत का एक आम नागरिक हमारी बातों को सुनेगा तो उसको समझ आएगा, वो खुद फैसला करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। ये हर चीज़ वन साइडेडली जो है चल रही थी सदियों से। ये जितने भी इनके स्कॉलर्स हैं जो लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाकर, वो सीधे साधे लोगों को क्या करते हैं कि उनको खरीद लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई प्याज बेचने वाला है, कोई मेहनत मजदूरी करने वाला है, वो उससे पूछते हैं कि भाई आप दिन भर में कितना कमा लेते हो। वो कहता है अभी जो है मैं दिन भर में 500-600 रुपये कमा लेता हूँ। चलो ठीक है, मैं ऐसा करूँगा कि 500-600 रुपये मैं आपको दे दूंगा, आप मेरी बात मान लो। क्या करना है भाई? आपको मुसलमान हो जाना है। वो कहता है ठीक है, मैं आपको सब्जी भाजी के लिए कुछ जो है बंडी ठेला जो है कुछ भी लगा, कुछ इस तरह के मैं जो है कारोबार लगा के दूंगा। आप अपने आपके बच्चों को जो है मैं अपने मदरसे में किसी स्कूल में डलवा दूंगा और जो है आप अच्छे से ज़िंदगी गुजारना। तो वो इस लालच में आकर मुसलमान हो जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह सर की मैं लालच। अगर अपनी बात करूं, सर मुझे कितने लोगों ने कन्वर्ट करने की कोशिश की है, मेरे पास शायद काउंटिंग भी नहीं होगी, मेरे पास शायद काउंटिंग भी नहीं होगी, इतने लोगों ने ट्राई की है। लेकिन वाह, बहुत से लोग आ जाते हैं इन बातों में और नहीं समझते हैं, तो मैं चाहते हूँ कि आप लोग क्योंकि इस आप बात पे जो भी है अपील कुछ कुछ करें। जानती हैं इस्लाम के बारे में, इसलिए आप इन लोगों की बातों में नहीं आई। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। कितने अच्छा ऐसे लोग हैं जिन तक हमारी बातें नहीं पहुंची अभी तक। तो वो सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं और इन लोगों की जो है मक्काराना जो है बातों में आ जाते हैं। ऐसा हो रहा है जी। साक्षी थैंक यू। जी, तो यू सेड कि आपको बहुत लोगों ने कन्वर्ट करने की कोशिश की है। अगर इट्स नॉट एन इशू तो आप बता सकते हैं आप कहाँ रहते हैं, कौन सी स्टेट से हैं? जी एक्चुअली मैं एक पार्टिकुलर स्टेट में तो नहीं रही हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते होते थी पहले। अभी तो स्टडीज में बिजी हूँ, मैं लॉ स्टूडेंट थी, अभी पास आउट हो गई हूँ। तो तो सोशल मीडिया सोशल पे। मीडिया पे जी, अच्छा यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी, और ये बहुत ही बड़ा क्राइसिस आप समझ सकते हैं, कि ये जिस तरह की, जैसे YouTube पे इस तरह की ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन हैं, और भी बहुत तरह की ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन हैं, जैसे मीको वीगो और बहुत सारे, जहाँ पे लोग आपस में बैठ के बात करते हैं। और आप शॉक हो जाएंगी पूनम जी, कि हिंदुस्तान में 80% पॉपुलेशन जो है वो हिंदूज की है, लेकिन अगर आप उन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे ना, आपको लगेगा कि इंडिया से भी, इंडिया में भी 90% मेजोरिटी मुस्लिम्स की है, इतनी बड़ी तादाद में ये वहां पे जाके बैठे हुए हैं। और वहां पे जो लड़कियां हैं वो पैसे कमाने के लिए, मतलब कि फैमिली साइड से जाती हैं, या जो भी उनकी है, हमारी हिंदू लड़कियां जाती हैं, तो उनको वो थोड़ा बहुत सेंडिंग करके सपोर्ट करके, और फिर उनको धीरे धीरे कुरान पे लेके आते हैं। और कुरान पे लेके आने के बाद, और सेम चीजें मैंने फेस की हैं, कि पहले उनको बोला जाता है कि तुम कुरान पढ़ो और तुम्हें जो भी डाउट हो तुम आके मुझसे क्लियर करो। तो मेरा तो माइंडसेट ऐसा था, मैंने भी शुरू किया था, मैंने पढ़ना पढ़ना शुरू किया मैंने कुरान, मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, मैं सूरह सूरह निसा पे आगे मैं रुक गई, मैंने कहा ये क्या है। तो मुझे इतने डाउट हुए कि क्या है ये सब चीज, मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हुआ कि तो लेकिन जो चीज, जो लोग इन चीजों को एनालाइज नहीं करते, मेरे सामने मेरी फ्रेंड थी एक, जिसने इस्लाम कबूल किया, मैंने उसको वापस लाइक रिवर्ट करवाया कि तुम ये छोड़ो, तुम्हारा अपना रिलीजन है क्या, तुम इस्लाम की तरफ भाग रही हो कि इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हो रही हो। तो उसने मेरी बात मान ली थैंकफुली,
लेकिन आज के टाइम पे अगर आप ऐसी ऐसी सोशल मीडिया पे जाएंगी तो इन लोगों का इतना ज्यादा, ये लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे और ये इतना ज्यादा लड़कियों के साथ हैंडल कर रहे हैं वहां पे कि वो उनको आपस में इस टॉपिक पे वो लिटरली उनको शादियों का हवाला देते हैं कि हम मैं शादी करेंगे। सबसे पहले तो वो उनको इस्लाम एक्सेप्ट करवाते हैं और ये मेरे सामने हुई इंसिडेंट्स हैं। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे अपने धर्म से हटने लग जाती हैं और उस तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन मुझे लगती है कि ये इतने बड़े पैमाने में हो रहा है कि आपकी सोच है, और ये शुरुआत ही आज के टाइम पे उन एप्लीकेशन उन सोशल मीडिया पे हो रही है और थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर दी जाती है और उनको इस्लाम एक्सेप्ट करवाया जाता है। तो जी इट इज वेरी इट्स लाइक क्राइसिस। साक्षी जी, ये सोशल मीडिया पे तो हो ही रहा है, लेकिन मेरे को भी अभी धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन पता चल रही है। ये ऑन ग्राउंड इतना प्रेवलेंट है कि ये सोच के लगता है कि ये वाकई भारत है क्या, जहाँ ये इतना इन लोगों का अंडर हैंड काम चल रहा है, लड़कियों को झूठ बोल के उसमें लाना अपने मजहब में, और फिर टॉर्चर करना और पता नहीं क्या क्या। मतलब लगता ही नहीं है कि ये भारत की बात हो रही है, और मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा साक्षी जी, अगर जी हम जी आपका जो ये हमारा चैनल पे आप आए और आपकी जो बात रही, अगर हम इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के डालें तो यू विल बी ओके विद दैट, या प्रॉब्लम है? जी नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है। और बहुत आप यानी मैं उसे जो है आपसे रिक्वेस्ट करूंगा साक्षी जी कि आप जी आगे भी जो है आते रहें, अपनी कुछ बात जो है लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक फीमेल वॉइस भी हो और आप जैसी इंटेलेक्चुअल यहाँ आकर कुछ बात करेंगी तो लोगों में एक तरह का अट्रैक्शन आएगा। तो मैं आगे भी जो है क्या मैं आप आते एक रहें। बात और अपनी रख सकती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर आप लोगों का डिबेट देखती हूँ तो उसमें मेरा उस टाइम दिल होता है कि मैं अपना पॉइंट रखूँ। जब ये लोग आयशा को लेके बात करते हैं कि वो बहुत छोटी सी एज में थी, उस टाइम जल्दी मैच्योरिटी हो जाती थी, तो सर मैं वहां से अगर आप माइंड ना करें तो मैं अपना एक पॉइंट रख सकती हूँ। हाँ ठीक है, शॉर्ट में रखिए जी। जी सर, ये लोग कहते हैं कि उस टाइम बहुत जल्दी मैच्योरिटी हो जाती थी ह्यूमन बॉडी में, लेकिन अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे कि जो प्री मैच्योर एडोलसेंस एज आती है सर, साइंटिफिकली प्रूवन है कि आज के टाइम पे वो ज्यादा, कि पहले के टाइम में वो लेट आती थी, अगर आज से आप 30 40 साल पहले भी देखेंगे तो वो पहले लेट होती थी। आज 12 साल की एज में हो रही है तो उससे पहले वो लेट होती थी, 15 साल 16 साल की एज में, क्योंकि वो लोगों के सामने इतना एक्सपोजर नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया और इतना ज्यादा एक्टिव हो रहा है तो उनके हॉर्मोन्स जो होते हैं वो थोड़े से लेट एक्टिव होते थे। तो सर ये लोग कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि उस टाइम जल्दी होता था नहीं, विदाउट असल में शेड्यूल? जस्टिफाई कुछ नहीं करते ये, सिर्फ जो है करते क्या हैं कि इनके नबी के चेहरे पर जो दाग लगा है उसको धोने की ये नाकाम कोशिश करते रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। दाग तो लग चुका है, दाग है, लेकिन इसको मिटाने की कोशिश करते हैं जो कि मिट नहीं रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सर मैं आपका ईमेल एड्रेस या फिर आपका कोई ईमेल एड्रेस वगैरह है जिससे मैं ये आपसे? यूट YouTube पे इनका YouTube में इनका चैनल का ईमेल है, आप उस पे ईमेल करिए एंड लिखिए जो भी आप बात करना चाहती हैं। ओके थैंक यू एंड सो मच मैम। जी थैंक यू साक्षी जी फॉर कमिंग, और जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि आप हमारी रेगुलर व्यूअर और कॉलर रहेंगी। थैंक यू। फॉर श्योर मैम, फॉर श्योर, थैंक यू। जी थैंक यू। ओके।